नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है इस समय की, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो खत्म किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर बहस हो रही है। 5 जजों की बेंच है जिसमें सारे के सारे सवर्ण जज है, लेकिन वही जो ईबीएस के खिलाफ जो वकील हैं, चाहे वो रवि वर्मा हो या विल्सन हो जो डीएमके के सांसद भी हैं, वो शानदार तरीके से आर्गुमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये मानने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि आप ही ने कहा था कि 50% से ज्यादा का कैप नहीं हो सकता है, तो फिर ये 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन क्यों? और सवाल है कि जो जनरल कैटेगरी में से जो 10% आपने रिजर्वेशन दिया है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जनरल लोग भी क्वालिफाई कर सकते थे, तो वो 10% सीट का उनको नुकसान क्यों है? और दूसरा सवाल है कि डेटा कहां से आया है कि कितने परसेंट लोग गरीब हैं? सवाल ये भी है कि अगर कोई आदमी गरीब है और 1 साल के अंदर उसकी नौकरी लगती है और वो अमीर हो जाता है तो क्या उसको आरक्षण नहीं मिलेगा? तो ये तमाम घाल मेल है, तमाम दाव पेच है जिस पर सरकार के वकील को जवाब देते नहीं बन रहा है। तो सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ है और दिलीप मंडल लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस देश में आरक्षण की बात करें तो सबसे बड़ा फैसला था 2014 में, मोदी सरकार इसके बल पर भी जीत के आई थी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से संसद में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन आया था, तो RJD DMK ने इसका विरोध किया था। RJD और DMK ने दोनों सत्ता में है, सपा बसपा ने इसका विरोध नहीं किया था, मेज थपथपाया था, उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो आरक्षण में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नहीं, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुद कही है कि आरक्षण आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नहीं है, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए है। तो ये बड़ा सवाल है और इससे लगता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और इसका सीधा सीधा असर पड़ सकता है 2024 के चुनाव में। सवर्ण समाज को लगेगा कि मोदी जी ने उनको ठग लिया है। दूसरी बड़ी ये खबर है, पटना में जिस तरह से अंबेडकर हॉस्टल पर शेड्यूल कास्ट के छात्रों के साथ फायरिंग की गई, गोलियां लगी, वो बहुत ही खतरनाक है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोगों की मांग है कि जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अखिलेश यादव और नीतीश कुमार अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते, उनका जीरो टॉलरेंस दिखा है, इससे पहले भी जो लोग जिन्होंने दंगा किया था उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो मुस्लिम समाज के लोग थाने में गए थे, एक नेता था उसकी गिरफ्तारी हुई है, सवर्ण समाज के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो सवाल है कि जिन लोगों ने किस तरह से प्रदर्शन किया था उसको लेकर भी ये सवाल है कि कब गिरफ्तारी होगी। और पुतिन के खिलाफ रूस में जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है, तो पुतिन जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध हारते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं ईरान की बात करें तो महिलाएं लगातार स्कार्फ के खिलाफ लगातार सड़कों पर है, बुर्का के खिलाफ लगातार सड़कों पर है, इंटरनेशनल के लिहाज से बात करें तो ये भी खबर है। लेकिन सवाल वही है कि भारत की जो खबरें हैं वो भारत में कब दिखेगी? रुपया जो है वो डॉलर के सबसे निचले स्तर पर है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी के लिहाज से बात करें तो बड़ी खबर है, 1 लाख से ज्यादा लोग राहुल की पदयात्रा में शामिल हुए, ये सबसे बड़ी अभी तक की रैली बताई जा रही है, बड़ी भीड़ बताई जा रही है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको ये बात नहीं दिखाएगा। कल अमित शाह बिहार जाने वाले हैं, लोग प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि आप कब स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे जिसका वादा कर रहे थे। वहीं जंतर मंतर पर अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर कल प्रदर्शन है OBC में, खासकर यादव समाज का, वो अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अंग्रेजों के समय में महार रेजिमेंट होता था, अहीर रेजिमेंट होता था, ये दोनों खत्म कर दिया गया। अभी भी गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है, तो ये है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के नाम पर जो रेजिमेंट था वो खत्म कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि या तो आप सबके नाम पर रेजिमेंट चलाइए या सबको खत्म कर दीजिए। ये दूसरी सबसे जो बड़ी खबर इस समय आ रही है, सोचिए कि किस तरह से रुपए की कीमत गिर गई, लेकिन कोई भी पत्रकार जो है वो सवाल नहीं पूछ रहा है। और इलाहाबाद को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं,
अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी ट्वीट किया है कि ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के लायक नहीं। सोचिए बीए का कोर्स 975 रुपए में होता था, अब 3700 रुपए हो गए हैं, बीकॉम 3900 रुपए में हो गया जो 975 का था, बीए प्रैक्टिकल 1125 वो 3900 रुपए में हो गया है, बीएससी 1125 था वो 4100 रुपए का हो गया है, एलएलबी सोचिए एलएलबी 4651 रुपए का हो गया है, बीटेक जो है वो 5151 रुपए का हो गया है, स्टूडेंट यूनियन 10 रुपए से 50 रुपए, कल्चरल प्रोग्राम 20 से 200 रुपए, आइडेंटिटी कार्ड 20 रुपए से 200 रुपए, एथलेटिक्स 10 रुपए से 250 रुपए, पुअर फंड 0-500 रुपए, लाइब्रेरी 100-500 रुपए, हॉस्टल 15,000 से 45,000 रुपए हो गया है, सबसे ज्यादा हॉस्टल पर मार पड़ रही है, एग्जाम 1,000 से 1,500 रुपए हो गए हैं, तो ये तमाम जो ट्यूशन फीस 180 से 600 रुपए हो गए हैं, डेवलपमेंट 100 से 1,000 रुपए हो गए हैं, तो जिस तरह से 400% का बढ़ोतरी कर दी गई है उसको लेकर लगातार छात्रों में नाराजगी है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, और प्रधानमंत्री कल जिस तरह से जा रहे हैं स्पेशल स्टेटस का उन्होंने दर्जा देने की बात कही थी, लोग कल अमित शाह से ये बात पूछेंगे। तो ये लगातार, और बिहार में लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, अमित शाह का दौरा हो रहा है, उससे स्थिति जो है और खराब होने की उम्मीदें हैं। लेकिन सरकार तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा है कि जो लोग भी बिहार आ रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए थे वो कब तक वो वादे पूरे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। फीस वृद्धि को लेकर बड़ा सवाल है कि इलाहाबाद में जो फीस वृद्धि हुआ है उसको कब रोकेंगे। और शरद यादव बिहार गए थे, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, वहीं सीताराम येचुरी से मुलाकात हुई है, तो नीतीश कुमार लगातार अपने रणनीति पर काम कर रहे, वहीं एक डॉलर जो है वो लगभग 81 रुपए का होने वाला है, तो वो भी एक बड़ी खबर है जिस पर सवाल नहीं पूछा जा रहा। लेकिन मीडिया में क्या चल रहा है, सोचिए टीवी अखबार में क्या चल रहा है, टीवी अखबार में अभी भी सोचिए पुतिन के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो खबर नहीं है, लेकिन ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है वो खबर है। तो आप समझ सकते हैं कि टीवी अखबार, चाहे भारत का हिंदू मुस्लिम हो या फिर दुनिया के किसी देश का हिंदू मुस्लिम हो, उससे बाज नहीं आ रहा है, उनको हिंदू मुस्लिम करना ही है एट एनी कॉस्ट। और ये तमाम सोशल मीडिया पर मैं आपको खबरें दिखा रहा था जो वायरल है, बिहार में जिस तरह से अंबेडकर हॉस्टल पर गोलीबारी हुई, अगर उसके आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता है तो ये सरकार की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा सवाल है। जो भी आरोपी है उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन सोचिए सवाल है कि इस पर विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों बीजेपी के लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए था। तो मैं फिर कह रहा हूं, जहां भी विपक्ष हो वहां उसको आंदोलन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। तो ये तमाम सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नहीं, सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। मैं आपको बता दूं कि आरक्षण का जो प्रावधान है उसका जो बेसिक रूट है उसकी वजह अनटचेबिलिटी, छुआछूत, शैक्षणिक पिछड़ापन, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सामाजिक पिछड़ापन, सोशल बैकवर्डनेस, जिनके साथ सामाजिक तौर पे छुआछूत हुआ है, भेदभाव हुआ है, उनके लिए ये प्रावधान है। और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख लगभग सामने आ रहा है, तो जल्दी ही आपको ये खबर, इस तरह की खबरें मिल सकती है। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर लगातार बहस हो रही है, बहस तेज चल रही है, और हो सकता है कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़े। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर बता रहा था जो अब तक सबसे ज्यादा वायरल है। और ये देखिए कि किस तरह से खुद को मौसम वैज्ञानिक का बेटा बता चिराग पासवान ने बिहार के लिए की भविष्यवाणी। तो चिराग पासवान अपनी राजनीतिक जमीन बचा रहे हैं, बना रहे हैं, और लगातार वो जिस तरह से जो गठबंधन की सरकार है उसके खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं। तो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, जो लोग भी सरकार के समर्थक है वो विरोध प्रदर्शन को आलोचना के तौर पर मत ले, चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। और सोचिए भगवान की मूर्ति छूने पर 60,000 रुपए का जुर्माना,
और जुर्माना नहीं देने पर गांव से निकाले जाने की धमकी। पता नहीं हमारे देश में यह जाति, वर्ण, लिंग और रंग का भेदभाव कब खत्म होगा। और फिर हम एकता की कमी की शिकायत भी करते हैं। ओम तिवारी जो कि एक पत्रकार है वो है। तो कल दो बड़ा प्रोग्राम है, अगर आप दिल्ली NCR में हैं, जंतर मंतर पर अहिर रेजिमेंट के लिए प्रदर्शन है, और संसद माफ कीजिएगा अम्बेडकर भवन में बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लगातार बाबा साहब को याद कर रहे हैं, बहुजन समाज की एकजुटता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबरें हैं जो मैं आपको लेकर आया था। लेकिन सवाल वही है कि आज टीवी पर आज भी जो बहस है वो चीते को लेकर खबरें चल रही है, लेकिन बेरोजगारी गायब है, डॉलर की जो कीमत गिर गई है उसको लेकर खबरें नहीं चल रही। लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक ये लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की रैली में प्रदर्शन जुट रहा है उससे तो साफ है कि अब देर सवेर ही सही, लेकिन टीवी अखबार को ये तमाम खबरें दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि राहुल की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं। और ये तस्वीरें राहुल ने जिस तरह से सोशल मीडिया को मैनेज किया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उनकी रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, ये सबसे ज़्यादा खबर है। लेकिन टेलीविजन अखबार की आज जो खबर है वो है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान में, क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लड़ाई है इंटरनल वो बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन कांग्रेस के नेता ये सब समझने लगे हैं। तो राहुल गांधी भी इवेंट मैनेजमेंट तो समझ गए हैं, इवेंट मैनेजमेंट समझ गए हैं पूरी तरह से, और मोदी जी ने सबको मीडिया का मैनेजमेंट समझा दिया। मीडिया का सबसे सटीक इस्तेमाल अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस करने लगी है। बहुजन समाज कब करें के नेताओं का कब मीडिया का इस्तेमाल करेंगे वो अलग बात है। और आज का सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो ये वायरल वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है, ये मुख्यमंत्री जी का, जब वो मुख्यमंत्री थे तो ये वीडियो वायरल थे, अब वो प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी। तो सोचिए विपक्ष भले धरना प्रदर्शन ना करे, विपक्ष भले सवाल ना पूछे, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके मोदी जी के पुराने वीडियो जो है वो खुद आड़े आ जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबरें थी आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। याद दिला दूं कल जंतर मंतर पर अहिर रेजिमेंट के लिए प्रदर्शन है, वही अम्बेडकर भवन में संयुक्त रूप से बहुजन समाज जो है वो अपने बहुजनों को, बहुजन जो महापुरुष है उनको याद कर रहा है, और राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से कैसे लोग जागरूक होंगे इसको भी वो कोशिश कर रहा है, बड़ा मंथन है उसमें। भूपेश बघेल के जो पिता हैं मुख्यमंत्री जो हैं उनके पिता भी उसमें शामिल रहेंगे। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए सोशल मीडिया से लेकर आया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, और सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अगर आरक्षण खत्म होता है उसके बाद आरक्षण की लड़ाई और तेज होगी। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से वकील पैरवी कर रहे हैं, दिलीप मंडल के ट्वीट पर नजर बनाए रखिए, और लगातार तेजस्वी यादव अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि अम्बेडकर हॉस्टल में जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।